सैनिटाइजर तो 20 साल से आ रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो डिलीवरी जो करता है वो आगे बढ़ता है, यानी कस्टमर के साथ जो ट्रांसपेरेंट रहता है वो तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे वो सारी डिलीवरीज जो सारी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन है उसको नीड, वो नीड को हम यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। कैसे फुलफिल? सर्विस विद डिफरेंस, यानी अलग प्रकार की हम सर्विस दे रहे हैं, नीट एंड क्लीन सर्विस दे रहे हैं, हाईटेक टूल्स यूज कर रहे हैं, सर्विस एट डोर स्टेप, ब्रो पिकअप एंड ड्रॉप वगैरह सर्विस है तो हम डोर स्टेप सर्विस भी देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस, हम जैसे पुराने स्पेयर पार्ट है तो कस्टमर को ऑफर करते कि आप लेके जाइए, बराबर, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी सर्विस का हो जाता है। और सारा काम रीजनेबल चार्जेस लेते हैं हम, बराबर, तो रीजनेबल चार्जेस जो भी लेते हैं तो वो सारा काम हम जो करते हैं वहां पे रीजनेबल चार्जेस भी हम लेते हैं, बराबर, तो वो सारा काम जब हो रहा है उनका, हाँ, तो ये सारा अगर मैं आपको बताऊं कंपनी की इंट्रोडक्शन दू, बराबर, तो कंपनी का हमारी टीम का इंट्रोडक्शन दू, तो स्पीड फोर्स कंपनी का डिफरेंट स्किल सेट है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, अगर मैं आपको बताऊं टोटल मिला के पूरी टीम का एक्सपीरियंस अगर आप कैलकुलेट करें तो 221 साल का होता है। आपको थोड़ा हंसी आएगा लेकिन ये है, क्योंकि हमारे जो सीनियर जहाँ पे हमारे साथ डायरेक्टर है वो 38 ईयर्स पुराने ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के है, और जो जूनियर डायरेक्टर है वो 16 साल का एक्सपीरियंस है, समझे? तो वहां पे ये पूरा ये जो इंडस्ट्रीज का और अलग एरिया का एक्सपीरियंस है वो आपको काम आता है। कहीं ना कहीं नेटवर्किंग है, सेल्स है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, अकाउंट एंड फाइनेंस है, यानी पैसा, देखो कुछ लेवल के बाद आउटलेट जब डेवलप हो जाता है ना तो वहां पे पैसा सेविंग ऑल्सो ही है, वो ही प्रॉफिट ही है, समझे? तो वो हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं। व्हाट इज स्पीड फोर्स? स्पीड फोर्स क्या है? चेन ऑफ टू व्हीलर मल्टी ब्रांड सर्विस स्टेशन प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, यानी मार्केट का जो डिमांड है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? पीरियोडिक सर्विस, माइनर मेजर रिपेयर, एक्सीडेंट रिपेयर, बैटरी सर्विसिंग, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एएमसी बुक है हमारा पूरा, जो हम आपको वहां पे बेचते हैं वो एरिया में, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं, ब्रेकडाउन फैसिलिटी देते हैं कस्टमर को, बरोबर। आप देखो तो इंडिया में क्या है पता है, अगर आपको पिज्जा मांगेंगे तो 30 मिनट में आ जाएगा, लेकिन आपका अगर टू व्हीलर बिगड़ता है तो 3 घंटे तक कोई नहीं आता, या 3 दिन तक भी कोई नहीं आता है, तो वहां पे हम 30 मिनट में ब्रेकडाउन सर्विस दे रहे हैं। वैल्यू एडेड सर्विस, जैसे एसेसरीज है, मॉडिफिकेशन है, वहां की वैल्यू एडेड सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस है, यूज टू व्हीलर वारंटी। स्पीड फोर्स एक ही एक ऐसी कंपनी है जो पुराने टू व्हीलर के ऊपर, यूज टू व्हीलर जो भी है पुराना टू व्हीलर है उसके ऊपर वारंटीज देती है, पूरे इंडिया में एक ही कंपनी स्पीड फोर्स वो है, बरबर। तो स्पीड फोर्स ही क्यों? आपको आप तो अपने बहुत सारे बिजनेस देखे होंगे, सब कुछ देखे, लेकिन स्पीड फोर्स क्यों? एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लार्ज पोटेंशियल है, बरोबर, करंट चैनल का खुद का लिमिटेशन है, बरोबर, जैसे डीलर वर्कशॉप और लोकल मैकेनिक हमारी बात हुई, बरोबर, तो उनका जो खुद का जो लिमिटेशन है वहां पे यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। ये बिजनेस आप देखो, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी डिमांड ट्रेन मैन पावर, तो हम सारा जो मैन पावर है उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू और सारा कुछ काम करवा के उसको टेक्नोलॉजी सिखाते हैं और उसके हिसाब से उनको ट्रेन करते हैं। मार्केट का जो नया ट्रेंड है, यानी आने वाला भारत है या आने वाला जो टू व्हीलर सर्विस का नया ट्रेंड है उसको हम एक्सेप्ट करके वो हम ये कर रहे हैं, कस्टमर का रेडी एक्स्ट्रा केयर करने के लिए रेडी है, जैसे मैंने पहले बात किया, तो वहां पे हम ये थोड़ा बहुत चार्जेस आगे पीछे इकोनॉमिक चार्ज में ये सर्विस देके हम कस्टमर को वो भी सर्विस देते हैं। दूसरा, जैसे अपने मोदी साहब का जो विजन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एंटरप्रेन्योर जनरेशन, यानी आत्मनिर्भर भारत, तो ये आत्मनिर्भर भारत हम लास्ट 7 साल से चला रहे, हम लोगों को, यानी आज तक की बात करूं तो आज तक हमने 79 आउटलेट बना लिए जो ओपनिंग हो गए और रनिंग है, बरोबर, पूरे इंडिया में 20 स्टेट में अवेलेबल है और 38 सिटीज में हम अवेलेबल है। तो आत्मनिर्भर भारत हम यहाँ पे वो भी विजन क्लियर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पर हाउ स्पीड फोर्स, यानी आप अगर फ्रेंचाइजी लेंगे तो कैसे काम होगा? तो आपका एक जगह होगा, उसके लिए हम हेल्प करेंगे, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, प्रोस्पेक्ट सिलेक्शन, यानी मैन पावर वगैरह है, आपको इन्फॉर्मेशन, लीगल ड्यूटीज, फाइनेंशियल, यानी आपको जहाँ पे भी जो जरूरत है तो वहाँ साइट लेआउट होता है, विजिट होता है, साइट रेडीनेस, इंस्टॉलेशन, फाइनल इंस्पेक्शन, रिपोर्ट्स बनते हैं सारे, बरोबर, मेन पावर का अपॉइंटमेंट होता है, ट्रेनिंग्स होता है, बरोबर, आपका ट्रेनिंग्स होता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है, फॉलो अप्स होता है, और इनोग्रेशन और स्टार्टअप हम यहाँ पे करते हैं। हाउ स्पीड फोर्स वर्क, तो यहाँ पे उसके बाद जैसे कोई भी कंपनी है ना उसका सबसे बड़ा सक्सेस क्या होता है पता है? फ्रेंचाइजी चालू करना बहुत ईजी है, आपने 10-12 लाख रुपया कोई भी कंपनी को दे दिया, 8-10 लाख में इन्वेस्टमेंट कर दिया, फ्रेंचाइजी चालू हो गया। लेकिन अगर फ्रेंचाइजर जो भी कंपनी है, यानी कंपनी का जो रोल होता है वो आउटलेट चालू हो जाने के बाद होता है, बरोबर, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना इज वेरी इजी, लेकिन उसको जो मेंटेन करना और उसको प्रॉफिटेबल बनाना ना वो बहुत बड़ा काम, वहां पे बहुत बड़ा नॉलेज चाहिए, वहां पे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए।
आज देखो तो इंडिया में इतने स्टार्टअप खुल रहे, बरोबर, आपने भी बहुत सारे स्टार्टअप देखे होंगे, चालू हुआ बंद हो गया, चालू हुआ बंद हो गया, बरोबर। क्यों बड़ी बड़ी कंपनी सक्सेस है, यानी आप देखो तो बहुत सारी कंपनी सक्सेस क्यों है आज देखो तो उसका कारण है उसके पीछे जो 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 मेंटरशिप है, उसके पीछे जो एक्सपीरियंस है वो लगता है। तो यहाँ पे भी हम हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज वो हिसाब से करते हैं कि आपका आउटलेट है तो उसका ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं, बरोबर। तो आउटलेट के ऊपर ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, तो वहां पे जो टीम होता है उसको मालूम हो जाता है और पता हो जाता है, वो लर्न कर लेता है कि कहाँ क्या हमको क्या काम करना है, बरोबर। तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग में आता है, टाइमली हमारा विजिट होता है, तो ऑडिट्स होता है, तो आपको पता हूँ वो सारा हमारा फोकस रहता है। आज जैसे आज 1 दिसंबर है, तो आज शाम तक मेरे पास जितने भी आउटलेट है, हम सारे आउटलेट का हमको पता चल जाता है, समझ रहे। हम हर 1 तारीख को उनका ऑडिट्स करते हैं, तो सारा उस तो कहाँ पे कौन से आउटलेट में क्या परफॉर्मेंस है तो वो सारा कुछ मालूम हो जाता है। तो हम यहाँ पे हमारी टीम है पूरी, वो एनालिसिस करके उसको गाइड कर सकते हैं अभी ये महीने में क्या क्या मार्केटिंग एक्टिविटी करनी चाहिए और उससे हम क्या करेंगे, तो आपको बेनिफिट क्या होगा। टेक्निकल सपोर्ट है तो टेक्निकल पूरा हमारा टीम है, बरोबर, जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सपीरियंस टीम है। कस्टमर का फीडबैक हम लेते हैं, क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं, बरोबर, तो वहां पे भी आपको बेनिफिट होता है और हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज करते हैं। यानी आपका जो आउटलेट है उसका सबसे बड़ा हमारा जिम्मेदारी होता है उसको मॉनिटर करके उसको प्रॉफिट में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट करे, वहां तक का मेन जिम्मेदारी है। अभी दूसरा हम सपोर्ट क्या करते हैं, जैसे आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके सामने हम टूल्स, इक्विपमेंट्स, ब्रांडिंग मटेरियल, स्टेशनरीज, मार्केटिंग किट, सॉफ्टवेयर, ईआरपी सिस्टम है हमारा, ऐप है, मार्केटिंग सपोर्ट है हमारा, ट्रेनिंग है, बरोबर, विजिट और ऑडिट्स होता है आपके यहाँ, वो सारा कुछ हम सपोर्ट आपको करते हैं। अभी ये कोई भी फ्रेंचाइजी लेना है तो उसका प्रोसेस होता है, तो हर एक कंपनी का खुद का प्रोसेस होता है। हमारा प्रोसेस इस तरह से हम एक एप्लीकेशन फॉर्म आपसे लेते हैं, उसके साथ आपके KYC डॉक्यूमेंट के साथ हम 1 लाख इनिशियल जो फ्रेंचाइजी फी है वो हम लेते, उसके बाद हम आपको लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं, आपको LOI जनरेट करके देते, उसके बाद आपको जगह ढूंढना है, वो जगह 2-3 जगह आपने ढूंढा है तो उसमें से हम अप्रूवल करेंगे, या आपका खुद का जगह है तो उसका एनालिसिस करेंगे और उसका हम ये जगह के ऊपर विजिट वगैरह होगा तो वहां पे बेसिक साइट वर्क वगैरह है, वेंडर पेमेंट है, बाकी का काम फाइनल पेमेंट्स वगैरह और मटेरियल प्रोविजन, इंस्टॉलेशन, लोकल सपोर्ट, उसमें आपका भी सपोर्ट लगेगा, रिक्रूटमेंट मैन पावर का होता है, ट्रेनिंग होता है, बरोबर, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपका जनरेट होता है और आपका इनॉग्रेशन स्टार्टअप होता है और हम आपका आउटलेट लॉन्च करते हैं, बरोबर। पान इंडिया फोकस की बात करूँ तो हमारा पान इंडिया फोकस 31 दिसंबर 100 फ्रेंचाइजी है। आपको मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए कि हमने आज तक 83 आउटलेट ऑलरेडी क्लोज कर दिए, यानी हमारी 83 और कुछ ओपनिंग बाकी है, बरोबर, तो ये महीने में 7-8 ओपनिंग है और 83 आउटलेट ऑलरेडी हमने साइन अप हो गए हैं, 83, तो और बाकी के आउटलेट हमारे ये 1 जनवरी तक खुल जाएंगे, तो ये 100 के जो टारगेट है हमारा 31 दिसंबर का वो भी हम फुलफिल कर रहे हैं, बरोबर। 2 टायर सिटी में भी आउटलेट बन सकता है, 3 टायर सिटी में भी आउटलेट बना सकते हैं ये आउटलेट, यानी ये बिजनेस हर एक जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट अवेलेबल है उनके घर के आसपास हो ही रहा है, सिर्फ हमारा फोकस नहीं है, हमने कभी ये बिजनेस देखा नहीं है इसलिए वो हमको पता नहीं है। तो आप आराम से देख के और इसको अच्छी तरह से समझ के आप करेंगे तो वहाँ बहुत बड़ा काम होगा। अभी हमारे आपका आउटलेट चालू हो गया, उसके बाद आपको जो भी रेगुलर डे इन डे आउट से, जैसे कैस्ट्रोल है तो वो हमारा लुब्रिकेंट पार्टनर है, तो हम उसके थ्रू कैस्ट्रोल के थ्रू आपको लुब्रिकेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और बेस्ट रेट में प्रोवाइड करते हैं, डिस्काउंटेड रेट होता है हमारा जो वहां से इंडिया। दूसरा जो स्पेयर पार्ट है, तो आज 65% मार्केट शेयर है इंडिया में कंपोनेंट का, यूनो मिंडा का, तो यूनो मिंडा है, दूसरी बहुत सारी कंपनी है, मिंडा 2200 प्रोडक्ट बनाती है, और इंश्योरेंस है तो सारी कंपनी का इंश्योरेंस हम रिन्यू बाई के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं, मैट्रिक्स के थ्रू हम ERP सॉल्यूशन हमारा पूरा है। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में एक ही स्पीड पोस्ट कंपनी है जो पुराने टू व्हीलर को वारंटी देती है, तो वारंटी के लिए हमारी 20 साल पुरानी जो भी कंपनी है कॉर्पोरेट वारंटी इंडिया करते हैं उनके साथ हमारा एक्सक्लूसिव टाइप है, तो वहां पे आप वारंटी और जैसे मैंने बताया था AMC, तो AMC सेल्स करने के लिए भी हमारे पास डेडिकेटेड कोई एजेंसी है, तो हर एक एरिया में वो काम करते और वो सारे के उन लोगों के थ्रू हम आपका आउटलेट प्रॉफिट में लाते हैं। हमारे फुटप्रिंट से की बात करूं तो 20 स्टेट में अवेलेबल है और 38 सिटीज में अवेलेबल है, इस तरह का हम पूरा आउटलेट बनाते हैं। ये फ्रंट फेसिया है सारा, जैसे आगे का लाइट बोर्ड होता है वगैरह सब, तो इस तरह का बनाते हैं। इंटरनल ग्राफिक्स, सुपर ग्राफिक्स वगैरह सब हम आपको सपोर्ट, मशीनरीज का सपोर्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें जो रेड एंड व्हाइट कलर है तो वो रेड एंड व्हाइट कलर आपको करवा के देना है, बाकी का जो भी सपोर्ट है वो हम करते हैं आपको। ब्रांडिंग है, मशीनरीज है, मशीनरीज का इंस्टॉलेशन है, उसका मेंटेनेंस है,
ब्रांडिंग का मेंटेनेंस है, तो वो सारा कुछ हम आपको सपोर्ट करते हैं। अब देखो तो इसमें दिख रहा है कि सारी जगह पे सारी मशीन्स लगी है, तो ये सारी मशीन के थ्रू काम होता है आपका, जो भी काम होता है। प्लग साफ करना है तो प्लग गन से साफ होगा, न्यूमेटिक के थ्रू हम काम करेंगे। तो जो टू व्हीलर अपना कस्टमर का जो टू व्हीलर है उसको भी एक लाइफ उसका मेंटेन रहेगा, बरोबर, उसका रिसेल वैल्यू भी बढ़ जाएगा, तो कस्टमर का जो सर्विस के लिए हैप्पी भी रहेगा। दूसरा बैटरी सर्विस का वगैरह करना है, वॉशिंग करना है, तो इन हाउस है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो पेडॉक स्टैंड है, बैटरी सर्विस का मशीन है वगैरह, सब हम काम यहाँ पे आउटलेट के ऊपर करते हैं। तो बहुत सारे वीडियो से एक दो वीडियो में आप आगे दिखाऊंगा आपको हमारे फ्रेंचाइजी के, बरोबर। आप जैसे मैंने पहले बताया उसी तरह उसको अगर कंटिन्यू करें तो आउटलेट चालू हो जाने के बाद सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। तो जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है तो इस तरह के हम पूरे एक्टिविटीज करते हैं, बरोबर। क्योंकि फ्री चेकअप कैंप है, अपना पीयूसी कैंप है, बरोबर, ये सारी हम एक्टिविटीज करते हैं। उसके थ्रू आपके आउटलेट के ऊपर हम अवेयरनेस भी करते हैं वो एरिया में, और वहां पे आउटलेट का प्रॉफिट भी जनरेट होता है। बहुत है सारे एरिया में इस तरह का मार्केटिंग एक्टिविटीज लगता है, जैसे रेडियो एड है, गणपति होता है, तो रिक्शा एड है वगैरह, सब हम यहाँ पे कर रहे हैं, बरोबर। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये आपको बताते हुए, और प्राउड भी है क्योंकि ये स्वीट फोर्स में सबसे पहले सैनिटाइजिंग फैसिलिटीज बाइक और स्कूटर की कोरोना के बाद हमारे सारे आउटलेट में चालू हुई है, बरोबर। तो ये इन हाउस फैसिलिटी है, और आज भी हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम सैनिटाइज वगैरह कर रहे हैं और आपके बाइक का कितना ख्याल रख रहे हैं कस्टमर के बाइक का, बरोबर। तो बहुत सारे मीडिया में कवरेज आए हुए है, बहुत सारे आपने अवार्ड भी मिले हैं, सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, जैसे वाइब्रेंट गुजरात है, सयाजी स्टार्टअप है, गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला है हमको, बरोबर। उससे बड़ा सबसे बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जी बिजनेस की ओर से हमको स्मॉल अवार्ड 2020 बिजनेस स्मॉल बिजनेस का अवार्ड मिला है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बिजनेस ऑफ द ईयर का, बरोबर। तो यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जी बिजनेस ने भी रिकमेंड किया है कि ये बिजनेस सबसे बढ़िया है, छोटा बिजनेस है और सबसे बढ़िया बिजनेस है। और दूसरा हम बहुत सारी CSR एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि हम अगर मार्केट में पैसा कमा रहे हैं तो कुछ पैसा हमको कहीं ना कहीं CSR एक्टिविटी में भी लगाना चाहिए। तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यानी जैसे हमारा ऑटोमोबाइल में है, हम तो ऑटोमोबाइल के थ्रू ही हम ऑटोमोबाइल का ही काम करते हैं, तो वहां पे हम हर साल जनवरी में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का एक कैंपेन चलाते हैं, हर एक आउटलेट के थ्रू, हर एक आउटलेट के एरिया में वहां पे एक्टिविटीज करते हैं। तो उनके थ्रू भी हमको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो उस तरह का, और हमारा ऐसा है कि ये बिजनेस देखो ना तो आप कोई कॉम्पिटिशन नहीं है यहाँ पे, बरोबर। तो हम हर एक जगह पे हर एक एरिया में वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, जैसे कोई मैकेनिक का वो है एसोसिएशन है या कुछ भी है, तो वहां पे भी हमारा। अभी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 7.5 लाख है, उसका ब्रेकअप मैं दे देता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है आपका? तो 1 लाख रुपया हमारा फ्रेंचाइजी फी है, 3.5 लाख रुपया जो भी है वो मशीनरीज में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इंटरनल सुपर ग्राफिक्स और फ्रंट फेसिया जो भी बनाते हैं उसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होता है। उसके अलावा आपका स्टेशनरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स मार्केट मॉनिटरिंग्स वगैरह में 1 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट होता है। मार्केटिंग सपोर्ट हमारा रहता है, और उसका डेवलपमेंट आपका जो भी आउटलेट डेवलप करना है तो डेवलपमेंट वगैरह का हम 1 लाख रुपया आपको चार्ज करते हैं। वो हिसाब से टोटल 7.5 लाख रुपया हम आपको चार्ज करते हैं, प्लस 18% जो गवर्नमेंट का GST है वो हम आपसे चार्ज करते हैं, और वो आपको वहाँ पे आपके GST नंबर में क्रेडिट मिल जाता है। अभी ये आउटलेट चालू हो गया, लेकिन आउटलेट चालू कर इन्वेस्टमेंट कर दिया करेंगे, लेकिन ये पैसा कैसे आएगा? क्योंकि हम कोई में कोई ना कोई काम तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ये बिजनेस, बरोबर। तो वहां पे रेवेन्यू जनरेशन के, अगर आपके पास 10 व्हीकल भी डेली के सर्विस में आते हैं और 300 रुपया भी अगर हम सर्विस चार्ज काउंट करते हैं, 250 से 300 रुपये, बरोबर, ये पूरे इंडिया का एवरेज है। आज मुंबई में ये एक्टिवा सर्विस करवाने जाते हैं तो 450 रुपया है, बरोबर, हमें 250 रुपया, तो 300 साढ़े 300 रुपये के आसपास का अगर रेवेन्यू आता है तो 3,000 रुपये का डेली का ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ सर्विस में होता है। उसके सामने ल्यूब्स की बात करें तो 10 में से 7 गाड़ी हमें ऑयल चेंज होता है। आपने देखना, आपने जब भी टू व्हीलर सर्विस करवाया तो 4 में से 3 बार आप ऑयल चेंज करवाते ही है, बरोबर। दूसरा, तो वहां पे भी हमारा कैस्ट्रोल वगैरह से टाइप है तो 100 रुपीज मार्जिन मिलता है। स्पेयर पार्ट में तो आप देखो ना, तो हर एक पूरे साल में एक बार हमारा टू व्हीलर इस तरह से सर्विस होता है जहाँ पे 1500-2000 रुपये का बिल बनता है। तो पूरे साल में एवरेज 300-400 रुपये का पर सर्विस में स्पेयर पार्ट का भी ट्रांजेक्शन होता है, बरोबर। तो वहां की बात करूं तो ये जो ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहा है, एक्स्ट्रा लेबर जनरेट हो रहा है, बरोबर, तो सारा मिला के 5 से 6 हजार रुपये का आपका ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा। उसके सामने की बात करूं, उसके यहाँ पे कुछ इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम कैसा है? जैसे मैंने बताया कि हम सारे टू व्हीलर्स के पुराने स्पेयर पार्ट कस्टमर को ऑफर करते हैं, लेकिन 90% 95% कस्टमर लेके नहीं जाते, बरोबर। तो वो हम स्क्रैप में उसको सेग्रीगेट करके रख के उसका एक रेवेन्यू जनरेट भी आउटलेट में करते हैं, बरोबर।
तो ये सारा 6-7 हजार रुपए का जो डेली का प्रॉफिट है उसके सामने एक्सपेंस भी होगा आपका, जैसे जगह का भाड़ा लगेगा, मैन पावर का सैलरी लगेगा, इलेक्ट्रिक्स मेंटेनेंस इंसेंटिव आपका अपना टैक्सीस वगैरह हम भरेंगे, इंसेंट एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज करेंगे, तो वहां पे आपका जो इन्वेस्टमेंट लिया है उस या किया है तो आपका ईएमआई आएगा, तो सारा मिला के एक अगर दिन का 3-3.5 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा। अगर मैं मंथली काउंट करूँ तो 1-1.5 लाख रुपए का वो खर्चा हो जाएगा। अगर मंथली अगर हम टोटल काउंट करें तो 1.5-2 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, तो वहां पे आप देखो तो उसके सामने 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। बोलो तो 70-80 हजार रुपए ये बिजनेस में कमाना बहुत इजी है। आपको बताऊं अभी हमने मार्च में हैदराबाद में आउटलेट चालू किया है, 19 मार्च को ओपनिंग था, 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, बरोबर। तो उसका मैं एक रिपोर्ट जनरेट करूंगा, ये लास्ट महीने या दिवाली का महीना था फिर भी वहां पे 3 लाख का टर्नओवर हुआ है, बरोबर। तो मैं अभी आपको और डेटा भी शेयर कर सकता हूँ। कंपैरिजन की बात करूं तो आपने बहुत सारे आप वेबिनार्स देख रहे हैं, रेगुलर वेबिनार्स देख रहे हैं कि मेरे को ये बिजनेस करना चाहिए या ये बिजनेस करना चाहिए, रिटेल का बिजनेस करना चाहिए, फूड का आउटलेट बनाना चाहिए या ऑटोमोबाइल में जाना चाहिए। तो मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू आपको पूरा बिजनेस समझाता हूँ कि ये कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए, बरोबर। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटेल में इन्वेस्टमेंट हाई है क्योंकि ब्रांड का खुद का ब्रांड नेम इतना बड़ा होता है कि वहां पे उनकी ब्रांड का ही पैसा लगता है, बरोबर। फूड एंड बेवरेज से तो वहाँ इन्वेस्टमेंट हाई भी है और मॉडरेट भी है, अगर अपनी छोटी सी ब्रांड ली है तो मॉडरेट है, बड़ी सी ब्रांड के साथ टाइप किया तो हाई इन्वेस्टमेंट होता है, बरोबर। ऑटोमोबाइल की बात करूँ तो ये बिजनेस टू व्हीलर सर्विस का जो बिजनेस हमारा है तो वो लो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ हमारा टैगलाइन ही है लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल, बरोबर। दूसरी की बात करूँ तो डिटेल्स की अगर देखो तो स्टॉक इन्वेंट्री रिटेल में पूरा रेंज रखना पड़ता है, कौन सा कस्टमर कौन सी साइज का कौन सा शर्ट मांगेगा वो पता ही नहीं है, समझ रहे, या शूज मांगेगा वो पता ही नहीं होता है, बरोबर। तो वो वहाँ पे इन्वेंट्री पूरा रखना पड़ता है, बरोबर। फूड एंड बेवरेजेस है, हॉस्पिटैलिटी है, वहाँ पे भी इन्वेंट्री पूरा रखना पड़ेगा क्योंकि कौन सा कस्टमर कौन सी सब्जी ऑर्डर करेगा या पिज्जा ऑर्डर करेगा पता नहीं होता है हमको, बरोबर। और यहाँ पे ऑटो इन्वेंट्री लो रखना है, क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी वेंडर्स है वो आपको वीकली सप्लाई करते हैं, तो वीकली सप्लाई करके आपको जो इन्वेंट्री रखना है वो एक वीक का ही रखना है, समझ रहे। ऐसा नहीं है कि स्पेयर पार्ट की बड़ी दुकान बनाना है, समझ। तो वहां पे आपका इन्वेंट्री यहाँ पे लो हो जाता है। ओवरहेड एक्सपेंस की बात करूँ तो यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंस हाई होता है, बरोबर, क्योंकि वहां पे एसी लगाना है, सब कुछ है और अच्छी लोकेशन पे जगह चाहिए, मेन रोड पे चाहिए रिटेल का अगर हम बिजनेस करते हैं, वरना कस्टमर कैसे आएगा। फूड का है तो अगेन वहां पे भी सेम है, बरोबर, क्योंकि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी, अगर दो कस्टमर भी है तो 5 एसी चालू रखना पड़ता है, तो वहां पे भी हमारा ओवरहेड एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है, बरोबर। तो अगर ये बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे ओवर एक्सपेंस बहुत मीडियम है और लो भी है, समझ। सीजनल इफेक्ट की बात करूँ तो हर एक जगह हर एक बिजनेस में सीजनल इफेक्ट होता है, ये ऑटोमोबाइल का बिजनेस है नो सीजनल इफेक्ट है, क्यों? क्योंकि आप देखो तो गर्मियों की सीजन में यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि बैटरी का सर्विस करवाना पड़ता है, सर्दियों की सीजन जो में बैटरी का बारिश के मौसम में आपको प्लग में पानी आ जाता है या गाड़ी बंद हो जाता है, बरोबर, कुछ ना कुछ सब, तो वो सारी सीजन में ये सर्विस होता है। कंज्यूमर नीड का बिजनेस है, डेली नीड का बिजनेस, क्योंकि टू व्हीलर यानी ऑटोमोबाइल और मोबाइल के बिना आदमी जी नहीं सकता है, तो वो डेली बिजनेस है, डेली का बिजनेस है। अगेन फूड की बात करें तो मीडियम नीड है क्योंकि हम रोज खाना खाने होटल में नहीं जाते, बरोबर। लग्जरीज की बात करें तो वो लग्जरी कब आता है, जब आपका इनकम आता है, उसमें से आपका जो फैमिली का जो सर्वाइवल एक्सपेंस है वो निकल जाता है, उसके बाद सेविंग होता है और उसके बाद लग्जरी के ऊपर खर्चा करते हैं आप, बरोबर। तो यहाँ पे लग्जरी का कंज्यूमर नीड का बिजनेस लग्जरी भी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो तो हर एक जगह क्योंकि वहां पे मैंने बताया रिटेल में मीडियम होता है क्योंकि ब्रांड खुद ही इतना बड़ा होता है। फूड एंड बेवरेज इसमें हाई है प्रॉफिट, लेकिन वहां पे वेस्टेज वगैरह देखने जाए या कुछ भी है तो वहां पे वो वेस्टेज या कुछ भी हमको पता चल रहा है तो वहाँ हाई भी होता है, कभी कभार नहीं भी होता है, बरोबर। और ऑटोमोबाइल में क्या है तो ये तो ट्रेडिंग कम सर्विस का बिजनेस है, बरोबर। तो यहाँ पे जो आपका जो इन्वेंट प्रॉफिटेबिलिटी है वो हाई रहेगा क्योंकि आपको कोई चीज बनाना नहीं है और कोई चीज आपका वेस्टेज भी नहीं जाएगा, समझ। तो यहाँ पे भी आपका कंपैरिजन अगर आप देखो सारी इंडस्ट्री से तो ऑटोमोबाइल का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, बरोबर। अगेन सेम प्रोसेस है जैसे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, लेटर ऑफ इंटेंट, एप्लीकेशन, वो सारा कुछ जो फ्रेंचाइजी होती है। अभी मैं आपको एक हमारा जो ब्रांड वीडियो है वो आपको एक दिखा देता हूँ, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि हम आउटलेट कैसा बनाते हैं और वो आउटलेट किस तरह से पूरा रन होता है। दिख रहा है ना, ठीक है।
नमस्कार दोस्तों। दीपेन जी वॉइस नहीं आ रही इसके अंदर। प्रशिक्षित टेक्नीशियन से लैसी कंपनी अपने हर टेक्नीशियंस को समय समय पर अति आधुनिक पद्धति और उपकरणों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देती है। आप हमारे सर्विस ऐप से आसानी से सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी बचा सकते हैं। सर्विस के दौरान प्रीटी वन चेक पॉइंट का ध्यान रखा जाता है। हर गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग के दौरान 3 बार सैनिटाइज की जाती है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्कशॉप से 3 किलोमीटर के व्यास में सर्विस के लिए 3 पिकअप ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल समाप्त होने की स्थिति में भी पेट्रोल पहुंचाया जाता है। हमारी कंपनी में फोम वॉश की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है जिससे आपकी गाड़ी की आयु बढ़ती है, उसको जंक लगने से बचता है। गाड़ी रास्ते में खराब होने की स्थिति में आप हमारे रोड साइड असिस्टेंस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा हमारी वर्कशॉप से 25 किलोमीटर के व्यास में दी जाती है। स्पीड फोर्स कंपनी की सभी शाखाओं में सभी फ्रेंचाइजीज में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कंपनी का कैस्ट्रॉल के साथ भी टाइप है। हमारी सभी वर्कशॉप हाईटेक है जहां सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। पूरा जो भी काम हो रहा है वो मशीन से होगा, जैसे हमारा बात हुआ उसी तरह से पूरा जो भी काम हो रहा है वो एकदम नीट एंड क्लीन होगा। जैसे आपने देखा सैनिटाइजिंग फैसिलिटीज वगैरह सब वहाँ पे है, तो वो सारे कुछ वहाँ पे वो हिसाब से पूरा काम करेंगे। अभी